बारिश को देख कैसे लग रहा है कि इन बारिश को बोल दूं कि आओ पूरी ताओ वरना आओ मत। आती नहीं इतनी तेज, हल्की बुझा पड़ेगी बंद हो जाएगी बारिश। बस है कि इरिटेट करने वाली चिक 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 यानी कि घर में आज खत्म कर कहानी। खैर वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो लॉकडाउन चल रहा है सब कहीं, मेरा भी चल रहा है, तो मेरे पास कोई कॉन्टेंट है नहीं, तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग कर लो। मतलब हफ्ते में जो भी कुछ भी होगा अपडेट करते रहेंगे, क्या अपना क्या है। आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बारिश वारिश सही आ रही है, काफ़ी बादल आ रहे हैं देखो। और लॉकडाउन फिर से दो तक एक्सटेंड हो गया, हम लोग सोच रहे थे कि 3 महीने ख़त्म होगा तो आगे जाएंगे, नई नई चीज़ दिखाएंगे आपको, मगर नहीं। तो खैर तो अभी हम लोग जितने ही बाइकर्स हैं बाहर तो जा नहीं पा रहे, हम लोगों को जबकि राइड करना पसंद है वो लॉकडाउन चक्कर में राइड कर नहीं पा रहे, तो हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे क्या करें कि आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आए। तो हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि ग्रुप वीडियो कॉल पर आएंगे और मस्ती करेंगे, जिसकी मैं क्लिपिंग थोड़ी दिखाऊँगा, पूरी नहीं दिखा सकता क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, समझ सकते हो। टैटू नहीं, सूजी 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 लेके आओ, सूजी ऐसा मेरे पास सारी किट है, हर तरह की पीपी किट चाहिए वो भी मिल जाएगी, और आपको बायोडेक्स की किट चाहिए वो भी मिल जाएगी, सब देंगे ट्रीटमेंट, आप आओ सही। बस कॉन्टैक्ट मैं प्यार हूं, मैं कुछ करने को आई नहीं। हाँ मैंने पता है मेरा चश्मा टूट गया है, सो गया था मैं आलस के कारण, और मेरे को कहा था कि ये अनब्रेकेबल है, फिर भी टूट गया, देखने में अच्छा लगे। एक बात मेरे को बड़ी अजीब लग रही है कि गवर्नमेंट ने फंड खर्च करके फूल बरसाए हैं, क्यों भाई? अगर भाई फंड हम गरीबों को खाने खिलाने में उसमें यूज़ करते तो चलता नहीं था। डोनेशन जनता दे, कोरोना के खिलाफ जनता लड़े, अगर फिर लॉकडाउन में जनता रहे, फिर कहती है कि गवर्नमेंट उससे लड़ रही है, कोरोना से लड़ रही है, क्यों? ये एक तरह ठीक है कि डॉक्टर्स और जितनी फौज है उनको ट्रिब्यूट देना चाहिए, सही है, मगर आज की डेट में सबसे अच्छा मोटिवेटर पैसे के अलावा कुछ नहीं है। अगर उनके अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दो वो अपने मोटिवेट हो जाएंगे, फुल बरसा नहीं, पैसा वेस्ट करे। हर स्टेट में जितने भी चौपर थे सब आए थे फंड वेस्ट कर, और जो लोग इससे जो एविएशन फील्ड से उन्हें पता है कि एक चौपर या हेलीकॉप्टर उड़ाने का कितना खर्चा आता है, अब लगा सकते हो अंदाजा कितना हो गया। तो लॉकडाउन में बहुत से लोग सोच रहे होंगे करना खाए डाइम कह रहे तो कह रहे घर में बैठना पड़े दिन भर, तो मैं आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन बताता हूँ, मैं आपको एक ऐसे योगा के बारे में बताता हूँ जिससे आपका तन मन और सब अंतर मन तक सब शांत हो जाएगा। इसके पास 4 स्टेप है, वही करने हैं जिससे सब शांत हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो योगा देखो, पहले योगा तो मैं जिस योगा की आज बात कर रहा था उसके बारे में भी बताऊँगा, तो मैं उससे पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जो लोग AC का इस्तेमाल करते हैं वो तो खबर आराम कर सकते हैं, मगर जो नॉर्मली अभी AC का यूज नहीं कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि है थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। तो इस हिसाब से मैं आपको करना कैसे, पहले आपको अपने लेफ्ट या राइट पास ही घूम जाना है, ठीक है? तो थोड़े पाँव खोल रहे हैं, 2 स्टेप हो गए, तीसरे चौथे स्टेप थोड़ा जल्दी करना है, तीसरे चौथे स्टेप में ये करना है कि कंबल लेना है और ओढ़ देना है। जो मैंने अभी योगा सिखाया ना इसको सीरियसली मत लेना, मजाक है, मैं सिर्फ एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा था। कब तुम लोग कहो कि तू रामदेव बाबा का मजाक उड़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, तो ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं। चल लॉकडाउन है, एंजॉय करो, वीडियो देखो आराम से एंजॉय करो। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतने गाइस, कुछ है तो नहीं करने के लिए, फिर भी मैंने कुछ चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो वट एवर सो रीज़न, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। बाकी मैं और ट्राई करूँगा नई नई वीडियो लाने की, नए नए कॉन्टेंट क्रिएट करने की। तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में।